जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू स्टोरी फ्रॉम योर रीडिंग फॉर प्लेजर एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज फ्रॉम बॉम्बे टू आगरा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट ऑल आर द कैरेक्टर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। Sunidhi looked outside the train and saw people hurrying. There was no kiosk inside the carriage and no pandemonium inside her head. It was in fact tranquil inside the train. Now Sunidhi is the character, as you can see, and she is traveling by train. Train se wo travel kar rahi hai और जिस कंपार्टमेंट में वो बैठी होती है वहाँ बिल्कुल साइलेंस होता है, कोई पेंडोनियम की कंडीशन नहीं होती है, मतलब अफरा तफरी का माहौल नहीं होता है। ट्रैंक्विल इनसाइड द ट्रेन, ट्रैंक्विल माने होता है पीसफुल एटमॉस्फेयर बिल्कुल होता है, ठीक है। सो दैट ट्रेन वाज द राजधानी एक्सप्रेस ओनली, ओके। हाउएवर एज सून एज शी क्लोज्ड हर आइज शी वाज लॉस्ट इन वन थॉट और रादर अ मेमोरी। Whatever happened to Alankrita, her childhood friend? Why was she called away from school? And more importantly, why did she never come back? Now, वो जो है ट्रेन से जा रही होती है तभी वो जो है अपनी आँखें बंद करती है तो तुरंत वो अपनी जो भी childhood memories होती हैं उसमें वो खो जाती है। और childhood में उसकी एक friend थी, बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी, जिसका नाम था अलंकृता, ठीक है। तो वो उसके बारे में सोचने लगती है और ये सोचने लगती है कि अचानक से उसको क्यों उस दिन स्कूल से बुला लिया गया था, और उसके बाद वो उससे कभी भी नहीं मिल पाई अपनी फ्रेंड से। तो ये सब कुछ उसके दिमाग में चलने लगता है। शी ओपेंड हर आइज़ एंड डिसाइडेड टू स्प्लैश सम वाटर ऑन हर फेस एंड मेक द मेमोरी वैनिश। Even though she knew this would be futile, she stood up, fixed her hair and walked towards the washroom. फिर वो एकदम से आँख खोलती है और वो सोचती है कि मैं थोड़ा सा फेस अपना वॉश कर लूँ जिससे कि जो भी मेमोरीज़ हैं वो वैनिश हो जाएँ, वो गायब हो जाएँ, डिसअपियर हो जाएँ, ओके। तो इसलिए वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। She passed a woman reading the डेली न्यूज़ ट्रेन न्यूज़पेपर। इट ऑलवेज कॉट सुनिधीज आइज एज इट कंटेन अनयूजुअल सेलिब्रिटी स्टोरीज, ठीक है। वो जा रही होती है, ठीक है, तभी वो देखती है रस्ते में जो वुमेन जो बैठ वुमेन जो रस्ते में कंपार्टमेंट में और रहती हैं, तो वो देखती है कि वो जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पढ़ रही है और वो उससे तुरंत अट्रैक्ट होती थी, क्यों, क्योंकि उसमें सेलिब्रिटीज़ स्टोरीज़ होती थी और उसको ये सब चीज़ें अच्छा लगता था। पर इस बार जो है कुछ अलग बात थी, वो अट्रैक्ट तो हुई उस वुमेन से, पर इट वाज नॉट द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नहीं था जिसने उसकी अटेंशन को कॉट किया, बल्कि वो एक वुमेन थी। अब वो वुमेन कौन थी? सुनिधि टर्न्ड बैक टू सी द वुमेन्स फेस मोर क्लियरली एंड वेंट नम। वो थोड़ा सा पीछे हटती है उसका फेस देखने के लिए, वो एकदम से नम हो जाती है, स्पीचलेस, कुछ नहीं बोल पाती है। वो कौन होती है? इट वाज अलंकृता, उसी की वो चाइल्डहुड फ्रेंड थी जो कि उसको इतने सालों बाद उससे मिली थी। सेम अलंकृता हु वाज कॉल्ड अवे फ्रॉम स्कूल एंड हैड नेवर रिटर्न्ड। तो शी वाज द सेम नाउ नो मोर गर्ल, शी हैज़ ग्रोन अप इनटू अ वुमेन। तो वो कौन थी? अलंकृता थी। एज सून एज अलंकृता सॉ सुनिधि शी स्टूड अप टेकन अ बैक एट सीइंग हर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ कंपार्टमेंट। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग बट नीदर ऑफ देम नोटिस्ड, लॉस्ट इन द चाइल्डहुड मेमोरीज रिवॉल्विंग अराउंड देम। देयर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स एंड जस्ट एज एट लॉन्ग अवेटेड रीयूनियन। They embraced each other, their eyes were glinting with so much happiness. It brought a smile to the faces of the few passengers sitting near them.
तो जैसे ही अलंकृता जो है सुनिधि को देखती है, वैसे ही वो खड़ी हो जाती है और दोनों ही जो हैं दोनों अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में खो जाते हैं। वो नोटिस ही नहीं करते हैं कि ट्रेन चलने लगती है और वो दोनों मेमोरीज़ में खो जाते हैं, यादें अपनी ताज़ा करने लगते हैं। उनके जो आँख में बिल्कुल आंसू भर जाते हैं और एक दूसरे को देख के, बिकॉज़ आफ्टर सो लॉन्ग दे वर मीटिंग एंड दे वर सो मच हैप्पी टू सी ईच अदर, सो इट वॉज़ जस्ट कह सकते हैं खुशी के आंसू होते हैं। ओके, और जो पैसेंजर्स वहाँ बैठे होते हैं और वो भी ये उनकी फ्रेंडशिप देख के वो भी बहुत खुश होते हैं। यू आर स्टिल दैट चब्बी 16-year-old गर्ल आई न्यू बैक देन, लेट्स सिट डाउन, सेड अलंकृता। अलंकृता क्या कहती है, तुम तो अभी भी उसी तरह चब्बी 16-year-old गर्ल हो जैसे कि पहले हुआ करती थी। सुनिधि लाफ्ड एंड गाइडेड अलंकृता टू हर सीट। अ मैन इन हिज मिड थर्टीज़ वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर एट सुनिधिज़ रिक्वेस्ट टू मूव सो दे कुड सिट टुगेदर। ही इमिडिएटली गॉट अप एंड सैट टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है, सुनिधि जो है ये सब सुन के हंसने लगती है और उसको ले जाती है जहाँ वो बैठी होती है उसको अपने पास बैठाने के लिए। लेकिन सुनिधि की जो सीट होती है उसके बगल में एक आदमी बैठा होता है 30s एज का, तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो दूसरी सीट पे बैठ जाए और इसलिए वो तुरंत जो है वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ट्रेन जो थी वो ऑलमोस्ट वैकेंट थी, बहुत स्पेस थी, तो उसको भी पैसेंजर को प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो वो तुरंत उठ के वहाँ से दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। ओके, बोथ ऑफ देम कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग एट द फैक्ट दे हैड मेट अप आफ्टर अ होल डिकेड। ठीक है, दोनों इतने खुश थे क्योंकि वो दोनों पूरे एक डिकेड के बाद मिल रहे थे और दोनों ही मतलब इतने ज़्यादा खुश थे कि उनके फेस से लग रहा था कि दे आर सो मच हैप्पी, दे आर सो मच इन लव विद ईच अदर। ओके, नाउ सो यू आर सेटल्ड इन बॉम्बे और समवेयर एल्स, आज सुनिधि। सुनिधि पूछती है कि तुम कहाँ रह रही हो, बॉम्बे में और कहीं और रह रही हो। अलंकृता बताती है, नो माई पेरेंट्स मूव्ड हेयर सम ईयर्स अगो एंड आई वॉज विजिटिंग दे। नहीं, मेरे पेरेंट्स जो थे कुछ साल पहले ही यहाँ आ गए थे और मैं उनसे यहाँ पे मिलने आई थी। ओके, व्हाट अबाउट यू, वेयर आर यू हेडेड। सुनिधि रिप्लाइड, आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। तो पूछती है सुनिधि से, तुम कहाँ जा रही हो, तो कहती है मैं दिल्ली जा रही हूँ। शी नोटिस दैट अलंकृता वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग स्लीव ब्लाउज एंड आस्ट, आंट यू हॉट इन दिस टाइप ऑफ ब्लाउज। तो देखती है जो अलंकृता है वो लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज़ पहने होती है इतनी गर्मी में भी, तो उससे पूछती है क्या तुमको गर्म नहीं लग रहा है इतना तुम लॉन्ग स्लीव का ब्लाउज़ पहने हो। अलंकृता कंटिन्यूड टू स्माइल बट शी साइड विच सुनिधि पिक्ड अप ऑन। सडनली द सीन ऑफ अलंकृता बींग कॉल्ड अवे फ्रॉम स्कूल पॉप्ड इन टू हर हेड। अलंकृता जो थी वो बस सुन के हंसती रही पर उसके पास कोई इसका आंसर नहीं था। ओके, सुनिधि भी उसने फिर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा और तभी जो थी अलंकृता थी जो द सीन ऑफ अलंकृतास बीइंग कॉल्ड अवे फ्रॉम द स्कूल पॉप्ड इनटू हर, तभी सुनिधि के दिमाग में वो बातें फिर से चलने लगीं जब अचानक से अलंकृता को स्कूल से बुला लिया गया था। अलंकृता, वाई वर यू कॉल्ड अवे फ्रॉम द स्कूल, क्यों तो स्कूल से तुम बुला लिया गया था। एंड वाई डिड यू नेवर के कम बैक, उसके बाद तुम कभी वापस भी नहीं आई। आई इवन केम टू योर हाउस बट योर अंकल सेंट मी अवे। मैं तुम्हारे घर भी आई थी पर तुम्हारे अंकल ने मुझे वापस भेज दिया। अलंकृता लुकड अवे एंड स्टैमर्ड, आई वॉज सेंट टू बोर्डिंग स्कूल। और वो इधर उधर देख के स्टैमर करने लगती है कि मैं बोर्डिंग स्कूल मुझे भेज दिया गया था, मतलब उसकी तरफ देख के आंसर नहीं देती है। ठीक है, तो वो कुछ कला की बोलती है कि मुझे कहाँ भेज दिया गया था, बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को सबको स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो इसको आप लोग अच्छे से फिर से सुनिए, रीड करिए। ओके, दिस इज़ ऑल, थैंक यू एवरीवन।